का रिजल्ट जारी हो गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर भी कुछ देर में रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड का रिजल्ट है, यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कुछ देर में उस नाम का ऐलान भी हो जाएगा जिसने 10वीं में टॉप किया है। लड़के और लड़कियों में किसने टॉप किया है वो भी हम आपको बता देंगे, दिखा देंगे। लेकिन यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है 10वीं और 12वीं के लिए। बहुत देर से छात्र सुबह से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म हुआ है। कुछ देर में जो साइट है उस पर भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और हम आपको अब दिखा दें, 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया, परसेंटेज 89.55%, 12वीं का रिजल्ट रहा 82.60%। तो आप देखिए अच्छा खासा रिजल्ट हुआ है 10th और 12th उत्तर प्रदेश बोर्ड का। हम आपको बता रहे हैं 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है और अभी 10वीं के रिजल्ट में 89.55% रिजल्ट हुआ है। जो परीक्षा का रिजल्ट के बारे में बताया कि कम अवधि में हमने जो है वो परीक्षा कराई, सबसे कम अवधि में हमने मूल्यांकन कराया और सबसे कम अवधि में हमने परीक्षा फल देने में सफलता प्राप्त की है। हाई स्कूल का परीक्षा फल हमारा 89.55 है। इसमें हमारे जो हाई स्कूल में 29,35,353 संस्थागत, 11,982 व्यक्तिगत, कुल 29,47,335 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिसमें से 27,49,364 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इसमें संस्थागत परीक्षार्थियों का जो परसेंटेज पास होने का है वो 89.63 है और जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी थे वो 67.39% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 86.05 है, बालिकाओं का 93.40 है। बालिकाओं का प्रतिशत उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों से अधिक है, 86.05। बालकों के संपूर्ण परीक्षार्थियों में बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 7.35 अधिक है। ये हमारा जो ये प्रोग्रेस बच्चियों ने जो की है वो बधाई के पात्र हैं। वर्ष 2023 की तुलना में हमारे कुछ परीक्षार्थी कम हुए हैं। बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत में हमारा 10.59% का ह्रास हुआ, जबकि बालिकाओं में ये 0.06% की वृद्धि हुई। इसी तरह इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल रिजल्ट हमारा 82.60 रहा है। इसमें कुल परीक्षार्थी हमारे 25,78,007 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिसमें से 24,52,830 परीक्षार्थी हमारे परीक्षा में सम्मिलित हुए। इसमें से जो हमारा कुल रिजल्ट रहा वो 20,26,067 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.38% रहा और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 86.39 रहा। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 77.78 रहा। बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.42 रहा है। बालिकाओं का प्रतिशत हमारी बालिकाएं इसमें भी हम बालकों से आगे रही हैं, 10.64 इनका बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत अधिक रहा। पिछले साल की तुलना में यहाँ भी हमारे परीक्षार्थियों की संख्या में कमी आई है। जो हमारे ससम्मान प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले इंटरमीडिएट में छात्र हैं उसमें 2.54 की वृद्धि हुई है। टोटल बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत में 8.44 की वृद्धि हुई है, बालिकाओं के उत्तीर्ण प्रतिशत में 5.42 की वृद्धि हुई है। इंटरमीडिएट के कुल परीक्षा परिणाम में 7.08 की प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बार के हाई स्कूल परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा के जो टॉपर्स रहे उनको आप जानने के लिए इच्छुक होंगे। तो अच्छा बस 5 मिनट अभी आपको दे रहे हैं।
हाई स्कूल में सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान पे रहे हैं ये शुभम वर्मा, सीता बाल विद्या मंदिर महमूदाबाद सीतापुर ये प्रथम स्थान पे रहे हैं। दूसरे स्थान पे विशु चौधरी। तो हम आपको इस वक्त बता दें, दसवीं और बारहवीं के उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो वेबसाइट है जिस पर रिजल्ट आना था वो क्रैश हो चुका है। इतने लोग इस वक्त खोल रहे हैं अपने अपने रिजल्ट को देखने के लिए कि क्रैश हो चुकी है शायद साइट। और लेकिन हम आपको बता रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं वो पीसी जिसमें कि दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट अधिकारी घोषित कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो अभी तक जो पास का एवरेज रहा है वो दसवीं का रहा है 89.55%। वहीं अगर बारहवीं की बात की जाए तो 82.82% इसका रिजल्ट रहा है। दसवीं का रिजल्ट 82.60% रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो बच्चे अभी जो वेबसाइट है उसे खोलकर अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो उनके लिए सिद्धार्थ नगर के हैं चार्ली गुप्ता एसपी। सर कंफ्यूजन हो रहा है, ये हाई स्कूल नहीं इंटर इंटर का अभी आपको बुकलेट मिल जाएगी। हम लोग ब्रेक कर रहे हैं ना, चला जाएगा तो चार्ली गुप्ता कहाँ से है? सेकंड का आपने बताया ये चौधरी, ये इंटर का मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सेकंड इसमें छह बच्चे हैं इंटरमीडिएट के, इंटरमीडिएट छह बच्चे हैं आपको लिस्ट मिल जाएगी। और थर्ड पे जो है वो थर्ड में चार बच्चे हैं। शांत रहेंगे तब सुन पाएंगे ना, प्लीज शांत रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं और रिजल्ट देखने के लिए कुछ वेबसाइट भी है जिसको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी शीनम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं जो बताएंगी कि वेबसाइट पर किस तरह से अपने रिजल्ट को अपलोड किया जा सकता है। शीनम, किस तरह से जो बच्चे हैं अपना रिजल्ट देख सकते हैं इन वेबसाइट पर? बिल्कुल नीलू, रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों के सामने एक जो समस्या आ रही है वो यूपी बोर्ड की जो साइट है वो क्रैश होने की संभावना है। इस तरह की खबरें पहले भी मिल रही थी और अभी आधा ही घंटा पहले जब हम ट्राई कर रहे थे तो हमने देखा कि यूपी बोर्ड की जो साइट है वो क्रैश हो गई थी, डाउन हो गई थी, सर्वर डाउन दिखाया जा रहा था। और अब ऐसे में अगर फिर भी करना चाहते हैं चेक अपना रिजल्ट, जो तमाम छात्र हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे थे उन्हें कैसे चेक करना है वो हम आपको बता देते हैं क्योंकि अभी साइट ओपन है। ये हमारी स्क्रीन पर आप देख लीजिए uprizults.nic.in, इस साइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं अगर कोई भी छात्र चेक करना चाहता है। थोड़ी देर में टॉपर्स की लिस्ट भी अपने दर्शकों को हम दिखा देंगे। तीन सर्वर लिंक यहां पर दिए गए हैं क्योंकि क्या होता है कि एकदम से जब सभी लोग सभी जो छात्र होते हैं एकदम से यहां पर जाएंगे साइट पर और एकदम से अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्रैश होने की संभावना हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग सर्वर लिंक अगर दिए जाते हैं तो उस पर आप चेक कर सकते हैं। तीन सर्वर लिंक दिए गए हैं यहाँ पे, अपना रोल नंबर डालकर जैसे भी आप अपना चेक करना चाहें रिजल्ट तो वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी ये देखिए DNS एड्रेस कुडंट बी फाउंड, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम अभी तक साइट में आ रही है जैसा हम चेक कर पा रहे हैं। लेकिन साइट अभी खुल जा रही है, रिजल्ट अभी चेक नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं। साइट क्रैश कर गई, एक साथ कई लोग इसे इस वक्त खोल रहे होंगे चाहे वो दसवीं के बारहवीं के हो, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद शायद सब कुछ सामान्य हो जाए। शीनम, नीलू अपना सवाल दोहराइएगा एक बार। बिल्कुल, अभी इस वक्त साइट नहीं खुल रही है लेकिन कुछ देर के बाद जब थोड़े सा लोड कम होगा तो शायद बच्चे अपना रिजल्ट इन साइटों पर देख पाएंगे। अभी फिलहाल थोड़ी दिक्कत जरूर होगी बच्चों को। बिल्कुल, अभी ये समस्या जरूर आ रही है जो
हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश कर रहे थे, उनके सामने ये समस्या जरूर आ रही है और वही हमारे सामने भी आ रही है। हम जैसे ही ये तीन सर्वर, मैंने आपको बताया कि तीन सर्वर दिए गए हैं, तीनों में जब हम क्लिक कर रहे हैं तो अभी वो साइट ओपन नहीं हो पा रही है, जो कि एक समस्या आ रही है। लेकिन ऐसे हैवी ट्रैफिक की वजह से कहा जा रहा है कि क्रैश भी हो सकती है साइट, तो आपको कैसे चेक करना है? न्यूज 18 भी आप लगातार देख सकते हैं और न्यूज 18 भी आपको एक जो है माध्यम प्रोवाइड करवाएगा जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं।